जगन्नाथ बुधवारी के बाजीराव गली में रहने वाली फिरियादी अरुण मारुति बाजीराव से झगड़ा होने पर आरोपियों ने फिरियादी की गाड़ी की तोड़फोड़ की है। फिरियादी की शिकायत पर तहसील पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जगन्नाथ बुधवारी के बाजीराव गली में रहने वाले फिरियादी अरुण मारुति बाजीराव से किसी बात को लेकर आरोपियों से झगड़ा हो गया था। इस बात से आरोपी बौखलाए गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर फिरियादी की गाड़ी तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत फिरियादी अरुण बाजीराव ने तहसील थाने में दर्ज की। पुलिस ने गाड़ी तोड़फोड़ करने वाले आरोपी अमन चौड़े, अंकित चौड़े, आशीष चिजगरे, निखिल बिनेकर, संदीप पटेल, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाइट प्लस P2C तहसील जयेश भंडारकर बाइट। बराबर है दिनांक 18/1/2021 को रात करीब 5:30 बजे दरमियान PS तहसील देवघर मोहल्ले में बाजीराव फैमिली रहती है। अरुण मारुति बाजीराव ये रात में घर में सोए थे तो करीब 12:30 बजे के दरमियान कुछ अज्ञात 5 लोग आके उन्होंने गाड़ी की तोड़फोड़ किए और भग गए। फिरियादी अरुण बाजीराव के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना तहसील में अपराध नंबर 56/2021 / 143, 147, 149, 427 IPC से गुनाह दर्ज किया। तपास में ये मालूम पड़ा कि फिरियादी का लड़का हिमांशु बाजीराव ये उस दिन दोपहर को 2 बजे के दरमियान आरोपी के घर में जाके आरोपी के माँ के सामने उनके बारे में कुछ भला बुला कहा। जब शाम को आरोपी घर में आए तो आरोपी के माँ ने उनको बताया कि हिमांशु बाजीराव आके जा कुछ भला बुरा बोल के गया। तो आरोपी ने प्लानिंग बनाया रात को 12 बजे, इसमें आरोपी अमन चौड़े, उसका भाई अंकित चौड़े, उसका दोस्त आशीष चिजगरे, नितिन बिनेकर और संदीप पटेल ये 5 लोग 3 मोटरसाइकिल से रात को 12:30 बजे कांडापेट पास्ता से निकले और बाजीराव गली में आकर उन्होंने आरोपियों ने हिमांशु बाजीराव को आवाज़ दिया। हिमांशु बाजीराव घर के बाहर नहीं निकले, इसलिए वहां उनकी खड़ी जो 3 मोटरसाइकिल थी उनकी तोड़फोड़ करके भग गए। तपास में आरोपी अमन चौड़े, निखिल बिनेकर और आशीष चिजगर को अरेस्ट किए हैं और दो आरोपी अंकित चौड़े और संदीप पटेल जल्दी पुलिस के अरेस्ट में आएंगे। तहसील पुलिस थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।